हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय भंडारी। आज हम ऑप्शंस की एक ऐसी स्ट्रेटजी को लेकर डिस्कशन करेंगे जिसमें इन्वेस्टर का व्यू बैरिस होता है, बैरिस व्यू रहता है। और जैसे अभी आप देख रहे हैं, बजट में हमारा था प्रेडिक्शंस कि बाज़ार गिर सकता है 975 के आसपास, हमने बोला था निफ्टी शॉर्ट करने के लिए। तो वहाँ से अगर आप आज देखते हैं तो हो गया है 11605 हो गया है निफ्टी 2 दिन में। तो यहाँ से अब निफ्टी ने जो लेवल था 615 का, स्पॉट का लेवल था, वो भी आज तोड़ दिया है। तो यहाँ से और ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। तो अगर इस करेक्शन में कैसे, कौन सी स्ट्रेटजी बना के, किस तरह से आप ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हैं, तो उसको लेकर डिस्कशन है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, सही है। और ये मेरा वीडियो है, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजी, आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक है। इस स्ट्रेटजी का नाम है ऑप्शंस की शॉर्ट सिंथेटिक। ये शॉर्ट सिंथेटिक में क्या रहता है, किस तरह से रहता है, इसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। व्यू बेरिश रहता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। शॉर्ट सिंथेटिक इज ए स्ट्रेटजी टू बी यूज व्हेन द इन्वेस्टर इज बेरिश ऑन द मार्केट डायरेक्शन एंड एक्सपेक्ट्स मार्केट टू फॉल डाउन इन द नियर टर्म। ये स्ट्रेटजी तब बनाई जाती है जब हमारा इन्वेस्टर का व्यू है कि बेरिश डायरेक्शन रहेगा, नीचे गिर सकता है बाजार आने वाले कुछ दिनों में। ओके, अब इस स्ट्रेटजी में रिस्क क्या रहता है, रिस्क अनलिमिटेड रिस्क रहता है। ये देखिए, रिस्क अनलिमिटेड है और रिवार्ड जो है वो भी अनलिमिटेड है। ब्रेक इवन क्या रहता है इसका, स्ट्राइक प्राइस प्लस माइनस नेट प्रीमियम पेड रिसीव्ड, ये इसका ब्रेक इवन है। ओके, सपोज अभी आज निफ्टी निफ्टी इज़ करंटली ट्रेडिंग एट 11600 पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो इसमें हमने क्या करना होता है, हमने इसमें एट द मनी का, जैसे 11600 निफ्टी चल रहा है अभी स्पॉट, तो 11600 का हमने कॉल सेल करना है। ओके, और 11600 का ही पुट हमने बाय करना है। तो देखिए, करंट मैंने लाइव अभी प्रीमियम निकाले हैं ऑप्शंस के, 140 ये चल रहा है अपना कॉल, ये हमने सेल करना है। और 120 का ये हमने, ये सॉरी, ये 11600 है, ये 5 को आप कंसिडर मत करिएगा, 11600 का पुट है ये। मैं इसे सही कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने सही कर दिया, 11600 का पुट हमने बाय करना है और 11600 का हमने कॉल सेल करना है। ओके, तो अब इसका क्या पे ऑफ रहता है, ये हम अपने एक्सेल में डाल के देख लेते हैं। ये देखिए, हमने क्या करना है, 11600 का कॉल सेल करना है जिसका प्रीमियम है 140, जीरो कर दिया हमने, इसे माइनस कर दिया। 11600 का पुट 120 में हमने बाय करना है, तो इसे सिंथेटिक बोलते हैं, शॉर्ट सिंथेटिक। ओके, एक्सपायरी 12500 तक भी आती है तो क्या प्रॉफिट लॉस रहता है, ये हम देख लेते हैं। देखिए, 12500 में हमारे को ये लॉस होगा 880 पॉइंट का, 66000 का, लेकिन हमारा जो व्यू है वो बेरिश है। 11600 ये हमारा ब्रेक इवन है। ओके, 11600 ब्रेक इवन है, इसके नीचे रहता है बाजार तो ये हमें प्रॉफिट दे के जाती है स्ट्रेटजी। देखिए, ये प्रॉफिट है, सपोज 11200 जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, हमारे को लग रहा है थोड़ा सा, हम ये नहीं कहेंगे आप उस पर काम करिए, लेकिन 11200 के आसपास लग रहा है, तो उस केस में आपको इस स्ट्रेटजी में 31000 का प्रॉफिट हो जाता है। ये देखिए, अभी 11615 के नीचे आ गया है स्पॉट, तो 11200-11300 के बीच में निफ्टी यहाँ पर आ सकता है, ऐसा हमारा मानना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस पर काम करिए, हमारा केवल एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, आप केवल स्टडी करिए, ट्रेड मत करिएगा प्लीज़। तो 11200 पे ये प्रॉफिट होता है, 11300 पे ये प्रॉफिट होता है, और लॉस जो है वो 11700 पे 80 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, वो तो लग नहीं रहा भी जाएगा जिस तरह का सिनेरियो है, बहुत सारे बजट में कुछ कुछ खास आया नहीं है। ओके, और चार्ट में भी निफ्टी ख़राब हो गया, एक बार चार्ट भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, चार्ट में निफ्टी हमारा यहीं पे ख़राब हो गया था, ये देखिए 11930-40 के आसपास ही निफ्टी ख़राब हो गया था चार्ट में, और उसके बाद से चार्ट ने कोई भी सिम्टम्स नहीं दिए हैं कि बाज़ार में कोई तेज़ी की चाल आएगी। देखिए, पूरा नीचे ही नीचे जा रहा है, और ये अगर देखा जाए तो अभी तो अगर इसे डेली चार्ट पे देखते हैं, एक बार डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं।
देखिए निफ्टी डेली चार्ट में तो शॉर्ट ही चल रहा था, यहाँ से ही शॉर्ट चल रहा था। अभी आज तो काफ़ी अच्छा दे दिया है, काफ़ी अच्छा नीचे दे दिया है निफ्टी ने। अभी कोई मतलब ऐसा सिम्टम लग नहीं रहा कि निफ्टी को बाजार को चलाएंगे। घंटे के चार्ट पे भी देख लेते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे क्या दिखा रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे पूरा सेलिंग ही है। देखिए बाजार सुबह सेल दिया था, उसके बाद से सेल ही है। थोड़ा बहुत टर्न देगा तो ये वो 22 में नहीं जाना है उस केस में। सपोज बाजार थोड़ा सा खींचा 20-30 पॉइंट, तो ये समझ के बाय नहीं करना है कि ऊपर आ जाएगा बाजार। बाजार अभी ख़राब हो गया है, जिसमें काफ़ी बड़ा करेक्शन दे सकता है बाजार। कहीं से कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जिसमें बाजार में कुछ तेज़ी बने। ओके देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट सिंथेटिक समझ में आया होगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजी, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजी, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा ब्लॉग है vinaybhandari1.blogspot.com, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9699646408। आप इस पर भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके एक लास्ट डिस्क्लेमर, चैनल प्रोवाइड व्यूज़ एंड ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस विद दिस चैनल सजेशंस। ओनर ऑफ दिस चैनल इज़ नॉट सेवी रजिस्टर्ड, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजिशन। ये हमारा एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से चैनल बनाया गया है कि कैसे किस तरह से काम किया जाता है बाजार में। हम ट्रेड करने के लिए नहीं बोलते किसी को भी। आपको जो भी ट्रेड करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही राय लेके करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।